चुराह की पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के द्वारा हलोर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको विस्तार से बताते हैं कि हलोर की प्रक्रिया क्या है। चुराह क्षेत्र में किसानों की मुख्य फसल मक्की की फसल है और किसान इसी मक्की की फसल के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चुराह के पहाड़ी इलाकों में अप्रैल महीने में मक्की की फसल को किसानों के द्वारा बेच दिया जाता है। उसके बाद जब मक्की की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद मक्की की फसल की निदाई की जाती है। निदाई के बाद किसान खेतों में बैलों को ले जाते हैं और मक्की की फसल पर बैलों को जोतते हैं, जिससे हलोर कहते हैं। किसानों का मानना है कि हलोर से मक्की की फसल बेहतरीन होती है और प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को अभी तक बरकरार रखा है। हलोर देने का एक और फायदा होता है, जब भी बारिश होती है तो खेतों में पानी रुक जाता है, जो मक्की की फसल के लिए बेहतरीन साबित होता है। मक्की की फसल बढ़ने लगती है और मक्की की अच्छी पैदावार होती है। जिस साल मक्की की अच्छी पैदावार होती है, इससे किसानों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ कमाने का मौका मिलता है। चुराह क्षेत्र में अधिकांश लोग मक्की की फसल को बेचते हैं और अच्छी पैदावार से अच्छा खासा आर्थिक लाभ कमाते हैं। फिलहाल इस साल लगातार अच्छी बारिशें हो रही है, जो मक्की की फसल के लिए बेहतरीन साबित हो रही है। किसानों को आशा है कि साल मक्की की पैदावार अच्छी होगी। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के द्वारा हलोर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बताते हैं कि हलोर की प्रक्रिया क्या होती है। जब अप्रैल का महीना शुरू होता है, किसान जो है वो मक्की की फसल बीजना शुरू कर देते हैं। जब मक्की की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके बाद मक्की की फसल की वो निदाई करते हैं। निदाई के बाद फसल और बड़ी हो जाती है तो किसान जो है वो खेतों में बैल ले जाते हैं और मक्की की फसल के ऊपर जो है वो फिर हलोर देने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। फिलहाल किसानों का कहना है कि जो हलोर होता है, उससे जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पानी जो है वो खेतों में रुक जाता है, जो मक्की की फसल के लिए बेहतरीन साबित होता है। मक्की की फसल जो है वो ग्रो करने लगती है और अच्छी पैदावार मक्की की होती है। फिलहाल इस बार जो है वो बारिशें लगातार हो रही हैं, जिस कारण किसान जो है वो काफी खुश हैं। आने वाले समय में अगर ऐसी ही बारिशें होती रहती है तो किसानों को मक्की की फसल से अच्छा खासा आर्थिक लाभ जो है वो कमाने का मौका मिलेगा। फिलहाल किसान जो है वो बहुत खुश हैं। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। चुरहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चुरहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।